भारत में शहरियत से मुतालिक मुसलमान मुखालिफ मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज मुस्तकिल चल रहा है और भारतीय पुलिस ने मुतनाज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गोली मारने की खुल्लम खुल्ला धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मेरठ में पुलिस का मुसलमानों से तासुब और पाकिस्तान जाने का मशवरा देने की वीडियो भी वायरल है, जिसमें पुलिस अफसर मुसलमानों को धमकियां लगा रहा है। टीचर काला होने में ना लगेगा सेकंड डबल के यहाँ गाँव के फोटो ले लिया बताऊंगा बता देना सालों को हराम दोनों भाई गली को मैं ठीक कर चार थे वो चार थे फोटो हो गई अभी पूरी बात मुझे याद हो गई याद रखना जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुँचता हूँ याद रखिएगा आप लोग गली में सारा कुछ हो गया तुम लोग कीमत चुकाओगे आज आना फिर इस तरीके जिस पर बीजेपी के मुसलमान वजीर भी बोल उठे हैं। अकलियती उमूर के वजीर मुख्तार नकवी ने कहा कि पुलिस अफसर का बयान काबिले मुजम्मत है। इन्होंने हुकूमत से पुलिस के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का भी मुतालबा कर दिया। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नारे एहतजाज से निकलकर शादी की तकारीब तक जा पहुँचे हैं। दुल्हा दुल्हन ने एक शादी की तकरीब में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नारे भी लगाए। अरे मिलकर बोलो आजादी हम लड़कर लेंगे आजादी। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नई दिल्ली में खवातीन 15 दिसंबर से धरना दिए बैठी हैं। केरला में फुटबॉल मैच के दौरान आजादी के नारे लग चुके हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 51 प्रोफेसर्स ने दस्तखती मुहिम शुरू कर दी है।